जिले में चिकन पॉक्स के मरीज मिलने से हड़कंप मच गया। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में डाला डेरा। कासगंज ब्लॉक के महावर गांव में एक साथ मिले चिकन पॉक्स के 15 मरीज। तेजी से फैल रहा चिकन पॉक्स की बीमारी को लेकर ग्रामीणों में मिला खौफ। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने महावर गांव का किया निरीक्षण। पूरे मामले पर डीएम ने मांगी रिपोर्ट। डॉक्टर की टीम गांव में पहुंची, अभी लिए जा रहे हैं ब्लड सैंपल। 17 बच्चों को चिकन पॉक्स निकला। सभी 17 बच्चों को दवा वितरित की गई। ग्रामीणों को सफाई रखने की सलाह दी गई। गंदा पानी घरों के आसपास इकट्ठा न होने देने की सलाह भी दी गई। ग्राम प्रधान को गांव में सफाई के निर्देश दिए गए। गांव में डीटीटी दवा का छिड़काव करने के निर्देश दिए गए हैं। संक्रामक बीमारी वाले बच्चों के परिजनों को दी गई सलाह, संक्रामक बच्चों को स्वस्थ बच्चों से अलग रखा जाए। यूपी उत्तराखंड न्यूज 24/7 के लिए कासगंज से आप देख रहे थे फहीम अख्तर की रिपोर्ट। ये गांव के लोगों की सैंपलिंग हो चुकी है इनकी? क्या क्या है एंटीबायोटिक में, क्या है सिफेक्जिन में? सर आज महावर गांव में चिकन पॉक्स का मामला सामने आया, कितने लोग सर पाए गए हैं उसमें? महावर गांव में 17 बच्चे चिकन पॉक्स से प्रभावित मिले हैं हमको। कल शाम को 5 बजे हमको सूचना मिली, उसके बाद हमने जो है अपना टीम गठित करके भेजा था, मेडिकल टीम, और वो 7:30 बजे तक वहाँ रही है। उसमें 17 बच्चों को उन्होंने जो चिन्हित किया था, उनका जो है इलाज किया, दवा दिया उन लोगों को, बाकी साफ़ सफाई रखने के लिए जो बताया गया है। और सभी बच्चे जो है अलग अलग स्टेज में है, किसी को 3-4 दिन पहले से है तो उसका सूख रहा है, ड्राई हो रहा है, जो भी चिकन पॉक्स के जो फफोले पहले निकलते हैं वो फिर धीरे धीरे ड्राई हो रहे हैं। कुछ नए भी हैं, कल के भी हैं, कुछ 2 दिन पहले के हैं, कुछ 3 दिन पहले के हैं, ऐसे कुल मिला के 17 मरीज हैं। उनको दवाएँ दे दी गई है और बाकी आज मेडिकल टीम फिर सुबह में गई है हमारी सीसी से, जिसमें जो डॉक्टर हैं और लैब टेक्नीशियन हैं और BSW हैं और ये सब लोग जो है साथ में ANM वहाँ की और CHO वगैरह सब हैं, लोग आशाएँ भी हैं। उसके अलावा जिला स्तर से हमने वेक्टरबॉर्न डिजीज के जो DPCMO हैं, जो वेक्टरबॉर्न डिजीज देखते हैं संक्रामक लोग, वो जिला मलेरिया अधिकारी, लैब टेक्नीशियन और epidemiologist की टीम हम एक अलग से भेजे हैं, जो निरोधात्मक कार्रवाई भी करवाएंगे वहाँ पर। जैसे जो भी छिड़काव वगैरह होता है एंटी लार्वल छिड़काव, सफाई भी देखवाएंगे। प्रधान से कहा गया है कि जो ये प्रभावित लोग हैं सब एक ही बस्ती एक मोहल्ले के हैं, बहुत आसपास नज़दीक जो है घर है उन लोगों का, वहीं पर जो है गंदगी भी थी, तो उसकी सफाई कराने के लिए भी कहा गया है कि नालियों की सफाई जल जमा वगैरह नहीं हो आसपास में, और घर की सफाई रखें, व्यक्तिगत सफाई रखें, और बच्चों को जो प्रभावित है उसको थोड़ा अलग रखें, स्वस्थ लोग उससे थोड़ा दूर रहें, क्योंकि ये बहुत संक्रामक जो है सो बीमारी है, तो जो स्वस्थ है उसको भी प्रभावित तुरंत हो जाएगा अगर उसके संपर्क में जाएगा तो।